गुना में 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। सौतेली मां बेहोशी की हालत में मिली महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस को आशंका है कि मां ने ही बच्चे की हत्या कर खुदकुशी करने की कोशिश की होगी। महिला ने दावा करते हुए कहा कि घर में कोई घुस आया था, उसी ने बेटे की हत्या की, मुझे भी गोली खिला दी। घटना जिले के फतेहगढ़ इलाके में बुधवार देर रात की है। फतेहगढ़ के अंबाराम चक में रहने वाले सुखलाल भील की पहली पत्नी 2 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। उनके 2 बच्चे हैं। इसके कुछ दिन बाद ही सुखलाल ने पहली पत्नी की बुआ सविता से शादी कर ली थी। ऐसी बात भी सामने आई है कि सविता दोनों बच्चों को ठीक से नहीं रखती थी। 2 दिन पहले ही सुखलाल अपनी बेटी को लेकर रतलाम किसी शादी में शामिल होने के लिए गया था। घर पर उसकी पत्नी और बेटा ही थे। सुखलाल के माँ बाप खेत पर बने घर में थे। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि सुखलाल के घर से आवाजें आ रही थी। दरवाजे अंदर से बंद थे, हम आवाज दे रहे थे लेकिन कोई खोल नहीं रहा था। कुछ लोग मकान की कच्ची छत पर चढ़े, वहां से नीचे देखा तो सुखलाल का बेटा अभिषेक और उसकी पत्नी सविता बाई बेसुध पड़े थे। बाद में दरवाजा तोड़कर जब लोग अंदर गए तो बच्चे की सांस थम चुकी थी। महिला बेहोशी की हालत में थी। लोगों ने बताया कि बच्चे के गले पर गहरे निशान थे। सूचना मिलने पर फतेहगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहगढ़ थाना प्रभारी गजेंद्र बुंदेला ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही लग रहा है। महिला ने अपने बेटे की हत्या के बाद डर के कारण खुद ही जहर खा लिया। घटना के समय घर में दोनों ही थे, कुंडी भी अंदर से लगी हुई थी। हालांकि बच्चे की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगा। महिला के अभी बयान नहीं हो पाए हैं, उसका इलाज चल रहा है। बच्चों को मार डालेंगे, तेरे पति का बहुत कर्जा है, तो पैसे नहीं चुकाएगा, कब चुकाएगा घर को, उसको मार डाला है बच्चों को। आपने देखा था उसको? मैंने देखा था, मैं देखा नहीं, वो काला कपड़ा सा फेर रखे थे, वो मुंडा बांध रखे थे। मामले में प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है चूंकि मकान अंदर से बंद था और बच्चे की हत्या की गई है, तो पूरी संभावना है कि उसकी जो सौतेली माँ है उसके द्वारा यह घटना की गई है।